हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक हमारा सिम कार्ड नंबर एंड नेम चेंज कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो A15s। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है और सेटिंग पे जाने तो आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ दिखता है सिम वन या सिम नौ, सिम है मेरा सिम टू में, यानी सिम टू नहीं है, सिम वन है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जब आपके में सिम है तभी आपका चेंज होगा फ्रेंड्स। तो हमारा सिम कार्ड नंबर है पहले, सॉरी फ्रेंड्स, नेम, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आ गया आप, जैसे कि मैं डालना चाहूँगी अपना नाम सिम पर, तो आप अपना नाम से भी सेव कर सकते हैं अपना सिम, तो सेव पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं सेव हो चुका है। और फ्रेंड्स, ये हमारा सिम कार्ड नंबर, नंबर भी चेंज कर सकते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रेंड्स, आपको 8 मतलब कि 8 डिजिट का डालना होगा। और फ्रेंड्स, 8 डिजिट से ज़्यादा का डल सकता है और 8 डिजिट से नीचे का नहीं डल सकता फ्रेंड्स। और इसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, आप सेव पे क्लिक करेंगे और आपका सेफ हो जाएगा। जब यहाँ से बैक करेंगे नॉर्मल, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा सिम कार्ड नेम एंड नंबर चेंज हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में सिम कार्ड नेम एंड नंबर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप सीख लीजिएगा किस प्रकार से सिम कार्ड नंबर एंड नेम चेंज करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको और भी सेटिंग के ऊपर बता देती हूँ, यहीं पे आपको दिखता है डेटा रोमिंग, आप इसे ही भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसे इनेबल करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये जो डेटा रोमिंग है इनेबल हो जाएगा, यहीं से आपका डिसेबल भी हो जाएगा। यहीं पर साथ में आपको दिखता है वाईफाई कॉलिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहीं से आप इसे इनेबल करेंगे, यहीं से आप इसे डिसेबल, देख सकते हैं ये डिसेबल हो चुका है। अब इसे इनेबल करते हैं, देख सकते हैं इनेबल हो चुका है। और फ्रेंड्स, ये हमारा वाईफाई कॉलिंग का ये ऑप्शन है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग इसलिए करते हैं ताकि आपके वाईफाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में सिम कार्ड नंबर एंड नेम चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप सीखिएगा किस प्रकार से सिम कार्ड नंबर एंड नेम चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।